हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्तिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे, तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इस मेथी को 3 बार धो लिया था, आप देख सकते हैं। अब हम इस मेथी को हाथ से बारीक तोड़ लेंगे। अगर आप मेथी को कैंची या फिर चाकू से काटेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए आपको इसे हाथ से ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद हम इसमें गेहूं का आटा, बेसन, अदरक लहसुन की पेस्ट, कसूरी मेथी, हम कसूरी मेथी को ऐसा क्रश करके डालेंगे। उसके बाद इसमें अजवाइन, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दही, ये सब डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अब इसमें पानी डाल के इसका नरम आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट होने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसकी गोलियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी गोलियां तैयार हो गई है। अब हम पराठा बनाएंगे। सबसे पहले हम रोलिंग बोर्ड पर तेल डालेंगे और इस पर हम पराठा बेलेंगे। ये देखिए, गोल आकार बेलने के बाद हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे। ये देखिए, आपको इसे फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे देना है। अब हम इसे भी अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से बेलने के बाद हम इसे गरम तवे पर सेक लेंगे। आपको इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है। और ये देखिए, दोनों साइड से सेकने के बाद हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी पराठे बना लेंगे। ये देखिए, बाकी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा। आप ये पराठे दही के साथ भी खा सकते हैं। दही के साथ ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।